कैमरा कॉन्शियस फोटोग्राफर बनोगे तुम यू गेट कैमरा कॉन्शियस है एक गुप्पू देखो Clap your hands. Clap. 1, 2, 3, 4, clap. गाइस दोपहर का 1 बज रहा है. सुबह तो ऐसे ही निकल गई थी कबीर के साथ खेलने में, फिर फटाफट ग्रोसरी आई वो उठाया, नाश्ता वाश्ता किया. तो एक्चुअली हमारी अपॉइंटमेंट थी फ्लू शॉट की. यहाँ पे ना आपको फ्लू शॉट्स लेने पड़ते हैं हर साल. फ्लू का सीज़न आता है विच इज़ स्पेशली रिलेटेड टू इन्फ्लुएंजा वायरस और रेस्पिरेटरी डिजीज़ होते हैं उनके लिए होता है. तो इसलिए हर साल ये फ्लू शॉट्स लगाते हैं. इसका सीज़न होता है अक्टूबर टू फेब्रवरी एंड टाइप्स. तो मेजरली नवंबर दिसंबर जनवरी द पीक टाइम में. आई वाज जस्ट स्पीकिंग टू दैट लेडी जिससे हमने फ़ोन पर अपॉइंटमेंट बुक किया. तो हमारा अपॉइंटमेंट आ गया है. 3-4 दिन लग गए थे स्लॉट बुक करने में. तो मैं और शिनांग बस फ्लू शॉट्स लेने ही जा रहे हैं. यहाँ पे बहुत फैलता है तो इसलिए हर साल सबको ये वैक्सीन दी जाती है. एक इंजेक्शन होता है वो लगता है. बस Questions or we're good to go? I knew it. Okay. It's a regular flu shot, right? Just the regular flu shot. Okay, so you're all set? Yeah. Cameraman is all set? Yeah. You live around the area? Okay. Done? Okay, all done. Okay, great. Thank you. फ्लू शॉट्स लग चुके हैं. अब हम जा रहे हैं एक ग्रोसरी स्टोर. वो हम रेगुलरली जाते हैं उस ग्रोसरी स्टोर पे. बट कल ना मैंने देखा कि हमारी डबल ट्रांजैक्शंस हुई हैं. तो शशांक ने फिर अच्छे से चेक किया. तो नवंबर में हम कभी गए होंगे वहाँ पे और क्या हुआ कि फर्स्ट टाइम शायद वो कार्ड चला नहीं. तो शी आस्क्ड मी टू स्वाइप अगेन. अब बट आई वॉज चार्ज ट्वाइस. सो आई हैड कॉल्ड स्कॉशिया बैंक कस्टमर केयर. सो उन्होंने यही सजेस्ट किया कि आप पहले वेंडर से बात करें, अगर शी इज एबल टू रिफंड यू द मनी देन दैट्स द बेस्ट सिनेरियो. अब मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया है उसका और मैं उसको यही दिखाने वाला हूँ. आई होप वो एग्री कर जाएंगे बिकॉज हम रेगुलर कस्टमर्स हैं और ऑब्वियसली मेरे में स्क्रीनशॉट है दिखाने के लिए कि मेरे 2 बार पैसे कट गए थे. तो 52.97 की ट्रांजैक्शन है. तो पहली बार मेरे को याद है मैं भी थी उस टाइम पे, काउंटर पे ही खड़ी थी. तो उसने पहले टैप करवाया, कार्ड मशीन ने रीड नहीं करा. बहुत बार होता है कि आपको 2 बार टैप करना होता है क्योंकि पहली बार कार्ड मशीन रीड नहीं करती है. तो उस केस में यही हुआ था. फिर हमने सेकेंड टाइम पेमेंट हो गई थी. हाँ सेकेंड तो क्या हुआ कि फर्स्ट टाइम वो अप्रूव नहीं हुई ट्रांजैक्शन. तो ऑब्वियसली आते थे आस्क यू टू स्वाइप अगेन. यूजली क्या होता है कभी अगर आपका फर्स्ट टाइम में पैसे कटते भी हैं तो वो आपको क्रेडिट आ जाता है बाद में. लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, मैंने चेक किया कि मुझे पूरे महीने को क्रेडिट ही नहीं आया और मेरी 52.95 की ट्रांजैक्शंस 2 बार हुई. तो मेरे 2 बार के पैसे कटे हैं. तो यहाँ पे ये टिप भी है क्योंकि कनाडा में क्या होता है कि जब आप स्वाइप करते हो क्रेडिट कार्ड तो वो पिन नहीं मांगता है. मतलब आप सेटअप कर सकते हो बाय डिफॉल्ट वो. यूजुअली यहाँ पे ट्रेंड यही है कि यू जस्ट स्वाइप इट, यू डोंट स्वाइप इट, यू बेसिकली जस्ट टैप इट और आपको पैसे कट जाएंगे. तो ऐसे सिनेरियोज में आई वुड सजेस्ट, ये मेरे लिए भी लर्निंग रही कि आप हर महीने अपनी एक बार स्टेटमेंट को देखे करें कि कोई आपके इसमें कोई फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन तो नहीं है. हर महीने मुझे लगता है 2 हफ्ते में करो नहीं तो याद नहीं रहती. मंथ एंड में भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं मतलब है. ताकि कोई ऐसा केस ना हो या कोई फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन नहीं हो. कोई यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्रॉड्स होते हैं इस चीज़ को लेकर. तो ताकि आप इमीडिएटली अपने बैंक को रेज कर सको. तो मैं तो अब यही करने वाली हूँ, हर हफ्ते या 2 हफ्ते में एक बार मैं हमारे बैंक की ट्रांजैक्शन चेक कर लूँगी. क्योंकि आप भूल भी जाते हो यार कहाँ कटे थे. कुछ नाम डिटेल्स में ऐसा था कि नहीं रिकॉल हो पाता कि कहाँ पैसे कटे थे. और ये देखी जाए तो इससे आप अपने एक्सपेंसिस को कंट्रोल भी कर सकते हो. आपको भी एक रिकॉर्ड रहेगा कि आप यूजुअली हर महीने आपका ग्रॉसरी में कितना एक्सपेंस हो रहा है या ट्रांसपोर्ट में कितना एक्सपेंस हो रहा है. तो इट्स इंपॉर्टेंट की चेक करो. तो हम भी वही करेंगे. तो फटाफट जाते हैं उस ग्रोसरी स्टोर पे एंड वील टॉक टू दैट लेडी. अच्छी लेडी है वो, अच्छे से बात भी करती है. अब देखते हैं क्या बोलती है. वैसे तो $52 की बात है, $4-5 होते तो छोड़ भी देते यार. बट $52 एक टाइम की ग्रोसरी आ जाती है पूरी.
एनीवेज आज ना बहुत अच्छा दिन है, इट्स क्वाइट सनी. बहुत दिनों बाद सन निकला है. तीन चार दिन से काफ़ी ठंड थी, अच्छी हवा चल रही थी. तो हम जब नीचे आते थे ना तो एक स्टोल और एक स्कार्फ और एक कैप और इनफैक्ट ग्लव्स भी होने ज़रूरी थे, बट आज फॉर अ चेंज हम बिना स्कार्फ, बिना कैप और बिना ग्लव्स के आए हैं एंड वी आर गुड. दिल्ली में जैसे होती है ना दिसंबर जनवरी वाली ठंड, वो वाली है इस टाइम. हवा भी नहीं चल रही है तो ज़्यादा फील नहीं हो रहा है. एंड लोग भी आए हुए हैं बाहर, अच्छी खासी डिसेंट भीड़ है. वीकडे के हिसाब से तो अच्छी खासी भीड़ है. लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं, घूमने फिरने. अच्छा ब्राइट सनी डे है तो लोग बाहर निकल जाते हैं. वैसे ऐसी बात नहीं है, यहाँ पे स्नो में भी लोग बाहर निकल जाते हैं. आपको ऐसा नहीं दिखेगा कि ज़िंदगी रुक गई है, यहाँ पे ज़िंदगी अच्छी खासी चलती रहती है. सबका काम वाम सब चलता रहता है, स्नो पड़े चाहे कितनी भी स्नो पड़े. That's how it functions. तो यहाँ पे ना ऐसे आपको चाइनीज़, कोरियन ग्रोसरी स्टोर्स मिलेंगे. मतलब ग्रोसरी स्टोर सब्जी की दुकान होती है लोकल, जो चाइनीज़ मेजरली चाइनीज़ रन करते हैं यहाँ पे, चाइनीज़ कम्युनिटी. एंड आपको बहुत अच्छी फ्रेश फ्रूट्स वेजिटेबल्स सब मिलता है. तो हम प्रेफर करते हैं यहीं से लेकर आए. वी रियली लाइक द वेजिटेबल्स वहाँ की. रेट आई थिंक ठीक ही होता है, हर जगह सेम ही है. तो ठीक है, ताज़ी ताज़ी सब्जी मिल जाती है, फ्रूट्स मिल जाते हैं तो वहीं से ले आते हैं. तो अभी आपको मैं दिखाती भी हूँ कैसा है, नहीं तो एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगी जिसमें मैं आपको टूर दूँगी कि लोकल ग्रोसरी स्टोर्स कैसे होते हैं कनाडा में. एंड यू विल लाइक इट फॉर श्योर. अब बज गए हैं रात के 11. टाइम पता ही नहीं चला. हम वहाँ से आ गए थे बाहर से, फिर शिजांग का फास्ता खाना वाना बनाया खाया. मुझे एक व्लॉग एडिट करना था जो अपलोड होगा कल, तो पता ही नहीं चला. बस अब 11 बजे हम थोड़ा फ्री हुए हैं. मैंने वीडियो अपलोड पे लगाई है तो अब मैं सोचा आपको बता देते हैं कैसा रहा. तो हम गए थे वो शॉप पे एंड वी मेट दैट लेडी. एक्चुअली हम रेगुलर कस्टमर्स हैं तो वो हमें जानती ही है अच्छे से. तो शिजांग ने बात करी उससे, फिर उसने इजीली हमें कैश वापस कर दिया और उसने बस फोटो ले ली. मैं प्लस स्क्रीनशॉट लेकर गया था स्टेटमेंट का, जिस और वो वेरीफाई करेगी अपने बैंक से, बट उसने बिना कुछ ज़्यादा चेक करे हमें फ़ौरन कैश दे दिया. हाँ, क्योंकि वो बोल रही थी कि एक्चुअली उसकी एक कैशियर थी जिसको उसने हायर किया था, बट एक दो कस्टमर्स ने और कंप्लेन करी थी कि लोगों की डबल डबल ट्रिपल ट्रांजैक्शंस हुई थी, तो उसे फायर कर दिया उसने. सो उसको पता था इशू, बट फाइनली हमें तो कैश वापस मिल गया. एंड ये अच्छी बात है, उसने ये नहीं बोला कि ग्रोसरी खरीद लो मैं एडजस्ट कर दूंगी. उसने फटाफट अपनी ड्रॉर खोली, निकाल दिया. मे भी हम रेगुलर उसके कस्टमर्स है, दैट्स वाई. बट हाँ, तो ईजिली हो गया था. तो ये चीज़ ना यहाँ पे अच्छी होती है, पीपल ट्रस्ट ईच अदर, जो हमने अभी तक नोटिस किया है. 6 महीने हुए हमें एंड वी हैड अ गुड एक्सपीरियंस सो फार. पीपल आर गुड, दे विल ट्रस्ट यू. अगर आपका अच्छा रिलेशनशिप है एज अ कस्टमर विद अ मर्चेंट, दे मतलब आराम से कर देते हैं. मतलब ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो अच्छा है वो हमें बैंक के चक्कर नहीं काटेंगे, 30 दिन लगाते हैं उसमें वो. हाँ, फालतू मैंने कल कॉल करा बैंक और अपना टाइम भी वेस्ट करा. हाँ, तो यही है. हाँ, तो अभी हम बैठे हैं, यही हम बातें कर रहे थे. शिजांग ने चाय बनाई थी, हम चाय पी रहे थे. तो हमने कहा चलो फटाफट आप लोगों को भी अपडेट कर देते हैं, आज का व्लॉग एंड करते हैं. एक्चुअली हम सोच रहे हैं कि नेक्स्ट 7 डेज आपके लिए डेली व्लॉग्स आएंगे. वी आर जस्ट ट्राइंग इट कि हम मैनेज कर पाते हैं कि नहीं. टाइम का इशू रहता है बिकॉज ऑफ जॉब एंड बेबी, बट हमने एक चैलेंज लिया है कि वी आर गोइंग टू नो पब्लिश 7 ब्लॉग्स इन 7 डेज. लेट्स सी वी आर एबल टू. करेक्ट. तो आज डे मतलब हम वो चैलेंज पूरा कर पाए. हाँ, तो आज डे 1 है. वेंट गुड. हम नीचे भी गए थे तो कुछ कुछ आपको उसके बारे में बताया भी. आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा. तो लगा है तो लाइक ज़रूर करना गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इफ़ यू एंजॉय वॉचिंग अ कॉन्टेंट. हम ट्राई कर रहे हैं कि आपको अच्छे से अच्छा कॉन्टेंट प्रोवाइड करें यहाँ पे. अब डेली व्लॉग में के तरीके से वी आर ट्राइंग टू शो यू कि लाइफ कैसी होती है यहाँ पे एक कपल की, स्पेशली व्हेन यू हैव अ बेबी. इट्स नॉट ईजी. कबीर अभी सो गया, बाय द वे अभी उठने ही वाले हैं, 6 घंटे सोया है. हाँ, आजकल थोड़ा उसका स्केड्यूल ऊपर नीचे चल रहा है, कभी सोता है कभी नहीं. तो अभी देर से सो रहा है. हाँ, 5 घंटे हो गए. 5-6 घंटे हो गए हैं, सब उठने ही वाला है. फीडिंग टाइम है, बस उसके बाद सो जाए दोबारा, वरना तो हमारी रात काली नहीं. पता जब हमारी क्या मेरी होगी, तुम तो इधर आके सो जाते हो. ही सो क्लेवर, बाहर वाले बेड पे आके ही स्लीप्स. मतलब मैं अकेले एक्चुअली कल सुबह 7:30 बजे कॉल, आज कल है ना, और आज भी आज 8 बजे कॉल थी सुबह, और कल तो 7:30 बजे कॉल. एक इंटरव्यू शेड्यूल है उसका, एक कैंडिडेट का इंटरव्यू लेना है, उसके बाद फिर 9 बजे 7:30 से 8 तो बस जो भी है. खैर, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मैं रात को उसको एंटरटेन करूंगी. हां, तो मैं सुबह का ले लेता हूं, वो एक की बात है.
देखेंगे वो तो। चलो गाइस, तो आपको पता चलेगा सुबह के कौन लेता है, रात को कौन लेता है, सात व्लॉग्स आने वाले, यू विल गेट टू सी दैट। अब मैं व्लॉग क्लोज करती हूँ, हम कहते हैं बाय बाय। कमेंट जरूर करना कैसा लगा ये व्लॉग, ये हमारा पहला काइंड ऑफ अ डेली व्लॉग है, आपको अच्छा लगा देखना, और सब्सक्राइब कर लो चैनल को। हम मिलते हैं कल के व्लॉग में, टिल देन यू टेक केयर, गुड बाय, गुड नाइट, गुड नाइट।